बच्चों के नाम तारीख पैदाइश के हिसाब से रखा जाए, इसकी क्या हकीकत है? जरूरी नहीं है। नाम के हदीसों में तारीखों का तस्करा तो नहीं पढ़ा मैंने, बस ये है कि अब्दुल्ला नाम, अब्दुल रहमान, इनके फजाइल आए, तरजीब आई, लफ्ज मोहम्मद जो अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बरकत लेने के लिए ताज़ीम की नीयत से रखेगा तो उसके लिए मगफिरत वगैरह की बिशारतें हैं। मतलब तो ये है, डेट का तस्करा मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, मुफ्ती साहब ने नहीं पढ़ा। बुज़ुर्गों का वो दूसरा अंदाज़ रहा है, और असल में लोग ये समझते हैं कि तारीख के एतबार से कोई नाम रखेंगे तो उसका कोई असर होता है, लेकिन वो जो असलाफ़ का रहा है वो दूसरे अंदाज़ का रहा है कि वो अपनी पैदाइश या उनके साल के बाद जो लोग निकालते हैं वो एक अच्छे फाल के तौर पे निकालते हैं, बाकी इसका कोई मामला नहीं है कि उसी तारीख के हिसाब से नाम रखना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद, दादा जान ने अहमद रज़ा कहकर पुकारा, और 1272 आपकी सिने हिजरी ये पैदाइश, 1272 माने 1272, तो इससे खुद आला हजरत ने निकाला अपना इसी तरह तारीखी नाम अबजद के हिसाब से अल मुख्तार। अब मुख्तार भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, ये सरकार का नाम है मुख्तार, चुना हुआ, सेलेक्टेड। तो ये मशहूर नहीं है, यानी ये पुकारने में नाम नहीं आता, आला हजरत को पुकारा जाता है। हम तो आला हजरत वगैरह कहते हैं, लेकिन यूँ अहमद रज़ा शोहरत इस नाम से, इमाम अहमद रज़ा खान।